सोलन व्यापार मंडल के अध्यक्ष कुशल जेठी ने उपायुक्त सोलन केसी चमन से मुलाकात की और व्यापारियों की बिगड़ती स्थिति के बारे में उन्हें अवगत करवाया और उन्हें व्यापार खोलने की अनुमति प्रदान करने का आग्रह भी किया। इस मौके पर नगर निगम सोलन की मेयर और अन्य पार्षदों ने कुशल जेठी की बात का समर्थन किया। जेठी ने उपायुक्त सोलन को व्यापार खोलने के दो विकल्प दिए हैं। उनके अनुसार अगर डीसी सोलन उनके विकल्प पर गौर करते हैं तो उसे ना तो कोरोना बढ़ेगा और ना ही व्यापारियों का व्यापार प्रभावित होगा। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उपायुक्त नेक दिल अधिकारी हैं और वे व्यापारियों की बिगड़ती आर्थिक हालत के मद्देनजर कुछ सकारात्मक कदम जरूर उठाएंगे और उनके पक्ष में जल्द ही कोई निर्णय लिया जाएगा। कुशल जेठी ने बताया कि सोलन का व्यापारी बेहद परेशान, दुखी और चिंतित है, इसलिए उन्होंने सोलन के व्यापारियों की बात को उपायुक्त तक पहुंचाया है और दो प्रस्ताव तैयार किए हैं जिसके आधार पर बाजार को खोला जा सके। उन्होंने बताया कि पहले विकल्प में वे चाहते हैं कि 5 दिन दुकानें खुलें जिनका समय 9 से 3 बजे तक हो। वहीं दूसरी व्यवस्था में व्यावसायिक संस्थान 1 दिन छोड़कर खोले जा सकें जिसमें किराना भी शामिल हो, लेकिन डेली नीड्स की दुकानें डेली खोली जाएं। ये विकल्प उनके द्वारा उपायुक्त को भेजा गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही वे इस पर कोई निर्णय लेंगे। सेठी ने नगर निगम सोलन की मेयर पूनम ग्रोवर और अन्य पार्षदों का भी उनको समर्थन देने के लिए धन्यवाद किया। आज हम सोलन के सभी व्यापारियों की तरफ से एक जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। जैसे आपको सभी को मालूम है कि 26 तारीख तक लॉकडाउन और सारी दुकानें तकरीबन बंद हैं, कुछ एसेंशियल कम्युनिटी को छोड़ के। तो वही दुकानदार जो घर में बैठे बैठे परेशान हो गया और उसकी आर्थिक नुकसान भी उसको हो रहा है, मानसिक रूप से भी प्रताड़ित हो रहा है और शारीरिक रूप से भी वो परेशान हो रहा है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सभी व्यापारियों से, हर एक ट्रेडर से, एक एक व्यक्ति से हमने आज बात करी तो हमने निष्कर्ष निकाला कि आज हम व्यापार मंडल की तरफ से एक प्रपोजल, दो प्रपोजल बना के हम जिला प्रशासन को दे रहे हैं ताकि वो सरकार से डिस्कस करें, क्योंकि 26 तारीख तक के बाद हम चाहते हैं कि इसको अनलॉक किया जाए, लेकिन अनलॉक भी तरीके से किया जाएगा उसका हमने एक प्रपोजल बनाई है और हमें आशा है कि सरकार हमारी बात के ऊपर ध्यान रखेगी और हमारी आर्थिक स्थिति को देखते हुए सभी दुकानों को खोलने की अनुमति देगी। उसमें प्रपोजल नंबर एक तो है कि 5 दिन दुकानें खोली जाए और सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, और 3 बजे के बाद फ्राइडे को संपूर्ण लॉकडाउन हो जाए और वो फिर सोमवार को लॉकडाउन वो सुबह 8 या 9 बजे खुले। एक तो ये हमारी प्रपोजल है कि सभी दुकानों को अनुमति दी जाए और उसके बाद शुक्रवार की शाम से संपूर्ण, मतलब कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकले। उसके बाद हमने एक दूसरी प्रपोजल तैयार करी है, उसमें हम चाहते हैं कि 1 दिन छोड़ के हर एक ट्रेड की दुकानें खुले। उसमें हमने प्रपोजल तैयार करी है, जैसे सोमवार को रेडीमेड क्लॉथ, टेलर, फुटवेयर, ज्वेलर, कॉस्मेटिक्स, बार्बर और ये दुकानें हमारी सोमवार, बुधवार और फ्राइडे को खुलनी चाहिए। और उसके बाद जो सेकंड, जो 1 दिन छोड़ के खुलेगी, उसमें हार्डवेयर, मोबाइल, फोटोग्राफर, इलेक्ट्रिकल और उसमें स्टेशनरी हो गया, हैंडलूम हो गया, गिफ्ट शॉप्स होगी, स्पोर्ट्स की दुकानें होगी और अनटिल्स बर्तन की दुकान होगी, क्रॉकरी की होगी। इसके अलावा जो डेली नीड्स की दुकान और ग्रोसरी की दुकान है, ये भी हमने इसी शेड्यूल में डाली है कि डेली नीड्स की दुकान भी हम चाहते हैं कि 1 दिन छोड़ के खुले और ग्रोसरी की दुकान भी 1 दिन छोड़ के खुले। जो दूध और ब्रेड है वो रोज़ भी ले बिके, लेकिन वो शटर बंद करके बिके, जब उसके खोलने का दिन आएगा तब वो पूरी दुकान खोले। तो ये हमने आज एक प्रपोजल माननीय जिलाधीश महोदय को हम देंगे ताकि हमारी बात सरकार तक पहुँचाएँ और हम आशा करते हैं और आपके माध्यम से भी हम कहना चाहते हैं कि सरकार इस बात को ध्यान से, हमारी बात को इस बार समझे कि दुकानदार छोटा बहुत परेशान हो चुका है और हमने सरकार का पूर्ण सहयोग किया है। आज हमारे साथ, हमारे को बड़ी खुशी और गर्व की बात है कि हमारा सोलन नगर निगम के जो काउंसलर्स और हमारी मेयर मैडम पूनम ग्रोवर भी आज हमारे साथ हैं, इनका भी हमारे दुकानदारों को जो है बड़ी आज हमें हौसला मिला कि ये लोग भी चाहते हैं कि इन दुकानदारों के हम साथ खड़े और इनकी दुकानें खुलनी चाहिए। तो ये भी आज हमारे साथ ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हम इनका सारे व्यापारियों की तरफ से दिल की गहराई से बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज हमारे बुरे वक्त में हमारे साथ खड़े हुए हैं और हम आपके माध्यम से ये निवेदन करेंगे सरकार को कि कृपया हमारी बातों के ऊपर ध्यान दें, हम आपका साथ देने को तैयार हैं, लेकिन अब 26 तारीख के बाद आप अनलॉक करें और इसको सिस्टमेटिकल ढंग से करें। वो हमने तरीका बनाकर ये आज हम जिलाधीश महोदय को देने जा रहे हैं।